तुगलकाबाद इलाके में रात के वक्त खड़ी करी गई सड़क किनारे ग्रामीण सेवा में सुबह के वक्त जब गाड़ी चालक गाड़ी को साफ कर रहा था तो सीट के नीचे मिला 5 से 6 फीट लंबा अजगर। अजगर देखते ही ग्रामीण सेवा के चालक के होश उड़ गए। उसके बाद इसकी सूचना उसने दिल्ली पुलिस को दी और मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने वाइल्ड लाइफ के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ की टीम ने पहुंचकर यहां पर अजगर को काबू में किया। आपको बता दें अजगर को देखने के लिए यहां पर लोगों की भीड़ भी लग गई। राहत की बात यह रही कि इसमें कोई भी हादसे का शिकार नहीं हुआ, नहीं तो अजगर किसी को भी काट भी सकता था। लेकिन वाइल्ड लाइफ की टीम ने देखिए किस तरीके से अजगर को काबू कर लिया। आपको बता दें कि रात के वक्त ग्रामीण सेवा कि कई गाड़ियां जो हैं तुगलकाबाद गुरु रविदास मार्ग पर रात में ऐसे ही खड़ी करी जाती हैं और सुबह के वक्त जब गाड़ी चालक अपनी गाड़ी को साफ कर रहा था तभी उसको दिखा कि सीट के नीचे कोई जानवर है। जब उसने पास से देखा तो देखा कि उसके अंदर अजगर है। अजगर देखते ही उसके होश उड़ गए। उसके बाद इसकी सूचना उसने दिल्ली पुलिस को दी और दिल्ली पुलिस ने वाइल्ड लाइफ टीम को इसकी सूचना दी। आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार जी, आप सवेरे आए थे, क्या देखा था आपने गाड़ी में, क्या था यहाँ पे, कैसे पता चला? मैं सुबह आया और क्या नाम गाड़ी में गया, साफ़ सफाई कर रहा था, कपड़ा लिया, साफ़ सफाई कर रहा था, सीट दोनों साफ़ करी, मैंने उठाई, जैसे उठाई मैंने उसमें सांप दिखा मुझे, मैं एकदम कूद के अपने सीट को छोड़ के और कूद के बाहर निकल गया। मैंने फिर क्या नाम कहा, बताया इधर उधर, वो तो मान लो आदमी आए, देखा वाला कहाँ सांप है। कितना बड़ा अजगर था, कहाँ था ये? ये गाड़ी में था, बैठा हुआ था सिलेंडर के ऊपर। अजय गुप्ता। अजय गुप्ता जी, आपकी गाड़ी में अजगर निकला था, क्या था मामला? सवेरे ड्राइवर गाड़ी साफ करने के लिए आया था तो सीट के नीचे अजगर बैठा था, करीब 20-25 किलो का होगा, करीब काफ़ी लंबा चौड़ा। तो हमने फ़ोन करा 100 नंबर पे, तो उनने बाहर से विभाग वाले आए थे, वाइल्ड लाइफ विभाग वाले लाजपत नगर से, वो लेके चले गए अभी उसे। कितना लंबा होगा? लगभग होगा 10-12 फुट का। अजगर को पकड़ने के बाद वाइल्ड लाइफ की टीम अजगर को अपने साथ ले गई। 5 से 6 फीट लंबा ये अजगर था जिसको कि अब काबू कर लिया गया है। आरसोनी न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं संजीव सिंह की ये रिपोर्ट आरसोनी न्यूज पर।